अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12 हैं जो हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। पहली वीडियो में हम पहले 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और दूसरी वीडियो में रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए जाएंगे। चलिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आगाज़ करते हैं। कन्वेक्स कनकेव मिरर्स, कन्वेक्स कनकेव लेंजेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी तरह पावर से रिलेटेड ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहला न्यूमेरिकल है दैट इज़ 12.1 और पेज है 66 इंग्लिश मीडियम बुक पे। लिखता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। मैं आपको डिटेल फिगर के साथ ये समझाऊंगा। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों ये देखिए, कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है जिसकी इनर सरफेस जो है, अंदर वाली सरफेस रफ है और बाहर वाली सरफेस इसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग शाइनी है। क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज कीजिए कोई बंदा है, इससे कितनी दूर खड़ा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे जाहिर करते हैं, पी के साथ। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हैं, मैंने सारे फार्मूलाज भी साथ लिखे थे। 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, अभी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी दूर हम खड़े हों उतनी ही दूर वो इमेज बनाता है आईने के अंदर। इसी तरह सफेरिकल मिरर, किस मिरर की बात हो रही है, कन्वेक्स मिरर की। सो लिखता है कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। उसका जो इमेज बना इस आईने के अंदर वो मिरर के पीछे था, कितनी दूर था, 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज हुआ करता है और उसकी कीमत हम ऑटोमेटिकली क्या यूज करते हैं, माइनस में कीमत इसकी यूज करेंगे। अच्छा जी, मालूम क्या करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो बच्चों फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला हम जानते हैं, मिरर्स फार्मूला, जिसमें फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज का जिक्र होता है। क्या मिसिंग है इनमें से, ये फोकल लेंथ मिसिंग है, ये फोकल लेंथ मिसिंग है। आइए हम कीमतें इसके अंदर दर्ज करते हैं तो आंसर देखते हैं जी। कीमतें दर्ज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, हम क्या करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो क्या बन जाएगा, 1/f = वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, 1/p, p कितना बच्चों 10, q कितना है -5, -5 जी। बच्चों एलसीएम लीजिए, 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 वन्स आर 10, 5 टूज आर 10, तो क्या बचा, -1/10। एक इसका आंसर आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं आंसर, दिस इज आंसर ऑफ 1/f = -1/10। बच्चे इन्वर्ट कर दीजिए, दोनों फैक्टर्स को उलट दीजिए एंड आंसर विल बी -10 सेंटीमीटर है। ये फोकल लेंथ का आंसर नेगेटिव आना ये साबित करता है कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या हुआ करती है, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर रियल फोकल लेंथ नहीं होती, रियल फोकस नहीं करता, हकीकत में वो रोशनी को फोकस नहीं करता, इमेज को फोकस नहीं करता, वो वर्चुअल होता है। और नेगेटिव साइन आना साबित करता है कि उसका इमेज, उसकी फोकल लेंथ, उसका इमेज क्या है, वर्चुअल है। ये रहा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जी। बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर। अगेन मिरर बच्चों कौन सा है, कनकेव, केव बनी हुई है, केव कनकेव, जिसके अंदर वाली साइड शाइनी है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट। हाइट ऑफ इमेज
एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम इक्वल हैं, येट इन्वर्टेड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इन्वर्ट। अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या कहता है, इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज मिला। हाइट सेम, बिल्कुल सेम हाइट, सेम हाइट, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी ही इमेज की हाइट, आईने के अंदर स्फेरिकल मिरर में देखा उतने ही साइज का इमेज बना, लेकिन येट इन्वर्टेड, सीधा इस तरह से था ऐसा मिला, ये इसका मीनिंग है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट आईने से, कनकेव मिरर से कितनी दूर हो, 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ। अच्छा बच्चों देखिए, हमने तो स्फेरिकल मिरर फार्मूला पढ़ा है, हमें एफ मालूम करने के लिए पी के अलावा क्यू भी चाहिए, तो क्यू के लिए ये डाटा हमें फायदा देगा। चलिए देखते हैं कैसे, फार्मूला क्या है स्फेरिकल मिरर फार्मूला, 1/f = 1/p + 1/q। लेकिन मैं क्यू कहाँ से फाइंड आउट करूँ, क्यू का फार्म, क्यू मैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से, मैग्नीफिकेशन किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ से मैं क्यू फाइंड आउट करूँगा, पहले देख लीजिएगा, पहले ये यूज़ होगा फिर ये यूज़ होगा। चलिए पहले क्यू फाइंड करते हैं। सो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कहता है HI/h = Q/p। बहुत से स्टूडेंट ये स्टेप नहीं करते, डायरेक्टली क्यू की कीमत उतनी ही रख देते हैं जितनी पी की है, ऐसे नहीं करना, यहाँ से करना है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बताया उसने, सेम है, इसका मतलब HI लिखने की बजाय H लिख दो, HO लिखने की बजाय H लिख दो, और ये किसके बराबर है, Q/p, कट गया, क्या बन गया, 1 = यहां करते हैं 1, लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 1, राइट साइड पे बचा Q/p, इससे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P = Q, इसका मतलब जो P का जवाब वही किसका जवाब, Q का, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, Q = 20 सेंटीमीटर। ये मुझे चाहिए क्या मालूम करने के लिए, मेरा असल मकसद मालूम क्या करना है, फोकल लेंथ। तो चलिए फोकल लेंथ मालूम करते हैं, फोकल लेंथ कैसे मालूम होगी, 1/f = 1/p + 1/q, कुछ भी कीमत नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, तो 1/p, पी की जगह 20, क्यू की जगह 20, एलसीएम 20, 1 + 1, 2/20, 1/10, ये किसका, 1/f = 1/10। जी बच्चों क्या बनेगा, 1/f = 1/10, इन्वर्ट कर दीजिए, F will be equal to 10 सेंटीमीटर, ये ऊपर ऊपर, ये रही फोकल लेंथ उस आईने की, उस स्फेरिकल मिरर की, जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज उतने ही साइज का मिलेगा, 20 जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने साइज का इमेज मिलेगा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, जिस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, उसके हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होते हैं, और शर्त ये है कि उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी सेम होगी, देख लीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, चौथे न्यूमेरिकल की जानिब। चौथे न्यूमेरिकल में लिखता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मालूम कीजिए उस मिरर की, जो क्या करे, विच फॉर्म्स एन इमेज, जो इमेज फॉर्म करे कितनी दूर, 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, तो कीमत क्योंकि नेगेटिव, भाई बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनेगा वो नेगेटिव कीमत उसकी होगी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, जिसका ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो उस मिरर से, जिसका ऑब्जेक्ट 34.4 सेंटीमीटर दूर हो, और इमेज कितनी दूर बनाए, उस आईने की तलाश है, उसकी फोकल लेंथ भी चाहिए, उस आईने की तलाश है जिसके सामने कोई जिसम 34.4 सेंटीमीटर में पड़ा हो, तो इमेज कितनी दूर बनाए, 5.6 सेंटीमीटर दूर, पीछे, आईने के पीछे। सो चलिए देखते हैं, और दूसरा सवाल, इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, बताइए कि इमर कनकेव है या कन्वेक्स है, ये दोनों आंसर, जब ये आंसर आएगा तो यहाँ से हम देख लेंगे कि मिरर कौन सा है, कनकेव या कन्वेक्स, पता लग जाएगा।
चलिए बच्चों जी, हमारे पास गिवन डेटा है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, f फाइंड कर सकते हैं। चले लिखते हैं 1/f = 1/p + 1/q। जी वैल्यूज पुट कीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज। सो क्या बनेगा, यहाँ करते हैं 1/f = p की जगह 34.4, या फिर से उसी तरह करते हैं जिससे सिंप्लीफाई आसान हो जाए। एलसीएम पी क्यू, एक दफ़ा पी कटा तो क्यू आ गया, क्यू कटा तो पी आ गया। अब आप जानते हैं कि क्यू की कीमत नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा, क्यू नेगेटिव और पी पॉजिटिव। इस तरह आइए कीमत रखते हैं, कीमत पुट कीजिए, क्या आएगा -5.66 + 34.4, और नीचे P और Q देखिए, Q माइनस P आना। एलसीएम जब लेंगे Q माइनस P। जी P की कीमत फिर से देखिए ना बच्चों, Q की कीमत क्या है, नेगेटिव, तो यही फार्मूला ये बन जाएगा। अब एलसीएम लें तो एक दफ़ा Q आना है, फिर -P आना है। जी कीमत दर्ज करें, P की कीमत 34.4 और Q की कीमत 5.66। जी बच्चों, जी भाई सॉल्व करते हैं, 5.66 - 34.4 28.74 डिवाइडेड बाय 34.4 मल्टीप्लाई बाय 5.66 194.70। दिस वैल्यू इज़ ऑफ 1/f। f बना लीजिए तो ये सारी कीमत इन्वर्ट हो जाएगी, 194.70 डिवाइडेड बाय -28.74 एंड आंसर विल बी 6.77 -6.77 सेंटीमीटर। ये रही फोकल लेंथ किसकी, उस मिरर की जिसके लिए P और Q की कीमतें ये थी। अब ज़रा आंसर से अंदाज़ा लगाइए, आंसर किसका, फोकल लेंथ का नेगेटिव है, फोकल लेंथ का आंसर नेगेटिव आना ये साबित करता है कौन सा मिरर होगा, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, दिस इज़ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ का जवाब नेगेटिव आया करता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ वर्चुअल हुआ करती है, वर्चुअल का जवाब नेगेटिव। सो हम यहाँ से दूसरे जवाब देंगे, एज फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो क्या कहेंगे हम, एज दिस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो ये कौन सा आईना है, कौन सा स्फेरिकल मिरर है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। दूसरे का जवाब रीजन देंगे साथ में, रीजन देंगे साथ में। जी बच्चों, ये चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अगले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा तो बच्चों बढ़ते हैं पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ। तो पांचवा न्यूमेरिकल है, भाई पांचवें न्यूमेरिकल में लिखता है एन इमेज ऑफ अ स्टैचू। आप भाई अक्सर आप शॉप्स पे जाते हैं कपड़ों वाली, तो वहाँ स्टैचू देखते हैं आप जिनके ऊपर कपड़े हैंग किए होते हैं। फर्ज कीजिए वो एक स्टैचू है, एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 cm बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। भाई कन्वेक्स मिरर और इमेज भी बिहाइंड, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का फासला बिहाइंड द है, सो बिहाइंड जो कीमत है वो तो हमें क्या लेनी होती है, हमेशा नेगेटिव में, नेगेटिव। अच्छा इमेज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जानते हैं आप इस तरह का होता है जिसकी आउटर साइड वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, स्टैचू है जी इसके सामने। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो इसका इमेज बना है दैट इज़ 11.5 cm बिहाइंड द मिरर विद द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी कहता है मैं इसकी दे देता हूँ, एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 13.5 cm। अब जानते हैं भाई कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, सो दिस वैल्यू विल आल्सो कंटेन नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लगा देंगे खुद क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ।
डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यों नेगेटिवली है, क्योंकि इमेज कहाँ बना है, मिरर के आईने के पीछे, अगर फ्रंट पे बनता तो पॉजिटिव, पीछे बन रहा है तो नेगेटिव है। जी बच्चों, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। बताइए स्टैचू और मिरर के दरमियान कितना फासला है, पी मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ स्टैचू फ्रॉम मिरर पी मालूम कीजिए। भाई वही स्फेरिकल मिरर फार्मूला, 1/f = 1/p + 1/q। सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, 1/p + 1/q। जी इसमें क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है, 1/p विल बी इक्वल टू, रीअरेंज करिए ना, 1/p किसके बराबर आ जाएगा, 1/f - 1/q। अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं, जानते हैं हम एफ़ की कीमत भी क्या है नेगेटिव और क्यू की कीमत भी क्या है नेगेटिव। तो ज़रा देखिए इसमें कीमतें, मैं एफ़ की कीमत में क्या करनी है पुट, नेगेटिव, क्यू की कीमत ये तो इसकी जगह चेंज करने की वजह से नेगेटिव आया है, वैसे क्यू के साथ क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से सो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड 1/p किसके बराबर आ जाएगा भाई, माइनस क्यू तो आया इसको यहाँ लाते हुए, जब एफ़ की कीमत नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, क्यू की कीमत नेगेटिव है तो ये नेगेटिव तो उसकी यहाँ आने की वजह से आया था, और ये इसके बिहाइंड द मिरर होने की वजह से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/f + 1/q। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा एलसीएम, एफ क्यू, एफ एफ से कैंसिल, क्या बचा पीछे, माइनस क्यू, क्यू क्यू से कैंसिल और क्या बचा, प्लस एफ। अब इसमें क्या दर्ज करते हैं, वैल्यूज दर्ज कीजिए, क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, अब कीमतें पॉजिटिव रखेंगे, माइनस क्यू के साथ लगा दिया है, माइनस लगा दिए हैं, तो क्यू की जगह क्या रखेंगे, 11.5, एफ की जगह क्या रखेंगे, 13.5। भाई एक दफ़ा साइन दर्ज कर दिए हैं तो अब दोबारा तो साइन ही दर्ज करने ना, एफ की कीमत अब क्या रखोगे, एफ की कीमत 13.5, क्यू की कीमत 11.5। जी बच्चों खोलिए, इन दोनों को माइनस करें तो क्या बचेगा ऊपर, 13.5 में से 11.5 माइनस करें तो क्या बचा ऊपर, 2, नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए 13.5। इस मेथड से आप करेंगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक पे हैं, 155.25, ये रहा आंसर 1/p का, हमें पी चाहिए, इन्वर्ट कीजिए, यहाँ पी रह जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, 150.25/2। जी बच्चों इन्वर्ट कर दिया ना, आंसर विल बी 77.62 सेंटीमीटर। ये रहा आपकी किसका आंसर, डिस्टेंस ऑफ स्टैचू फ्रॉम द मिरर, इतनी दूर है क्या चीज़, वो स्टैचू किससे, कन्वेक्स मिरर से। ये तरीका अपनाएंगे तो आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर है। चलिए बच्चों इस लेक्चर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 12.6। जी लिखता है इसके अंदर तीन सवाल होंगे। एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर, एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मिरर की दे रहा हूं मैं आपको, फोकल लेंथ इज 8.7 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज 13.2, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ उस बंदे की, उस ऑब्जेक्ट की, उस जिस्म की हाइट कितनी है, 13.2 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और इसकी डिस्टेंस मिरर से फासला पी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसम का फासला P इज 19.3 सेंटीमीटर। जैसा कि कनकेव मिरर है कोई भी कीमत नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, तीन सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, फाइंड द लोकेशन, इमेज कितनी दूर होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज बताइए, एंड सेकेंड वन इज हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज बताइए।
ये तो बच्चों एक सवाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा सवाल है। वो पहले ये करते हैं फिर दूसरा इसका पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं दो सवालों की तरफ। देखिए जी, एक क्यों मालूम करना कौन सा मुश्किल है हमारे लिए, कौन सा फार्मूला है, इमेज लोकेशन फार्मूला, मिरर्स फार्मूला, 1/P + 1/Q, एच आई मालूम करना क्या हमारे लिए है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे मालूम कर लेंगे। चलिए भाई, इसका जो 12.6 दो न्यूमेरिकल टाइप ये सवाल है, इसके अंदर दूसरा हिस्सा भी है बी, वो बाद में करते हैं। इसको 1 और 2 का चाहे तो नाम अभी दे लीजिए, इसका बी पार्ट तो मैं करना है ये फर्स्ट। जी भाई करते हैं, पहली जूज करते हैं। पहली जूज में पहले सवाल में हमें क्यू फाइंड करना है यूजिंग इमेज लोकेशन फार्मूला, मिरर्स फार्मूला। जी क्या करेंगे, रीअरेंज करें, क्यू मालूम करना है, 1/Q वही रहने दीजिए, ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/Q वैसे का वैसा। भाई इसे ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखने की बजाय हम ज़रा 1/Q इज इक्वल टू 1/F - 1/P। जी बच्चों वैल्यू सर्च करें, नहीं पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एफ एफ से कैंसिल, पी से कैंसिल एफ। हाँ जी अब वैल्यू सर्च करें, कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पी की कीमत बच्चों 19.3, एफ की कीमत 8.7, एफ की कीमत 8.7, पी की कीमत 19.3। दर्ज कीजिए, आंसर किसका आएगा, 1/Q का 19.3 मल्टीप्लाई बाय, नहीं सॉरी 19.3 माइनस 8.7 10.6 डिवाइडेड बाय 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3 167.91। जी बच्चों इन्वर्ट कर लीजिए, क्यू किसके बराबर, 167.91 डिवाइडेड बाय 10.6। जी अब डिवाइड कीजिए, हाँ जी डिवाइडेड बाय, जी बच्चों 15.84, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक पे है। ये रहा आपकी डिस्टेंस का फार्मूला और डिस्टेंस का रिजल्ट, किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, कितनी दूर उसका इमेज बनेगा। दूसरा उसका था कि अब क्या मालूम कीजिए, हाइट ऑफ इमेज भी मालूम कीजिए, तो हम दूसरा इसका करते हैं, वो क्या है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जी बच्चों क्या क्या पता है इसमें, ये मालूम करना है, लास्ट टाइम भी ऐसा हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी हम इसकी कर चुके हैं, क्यू की कीमत 15.84, पी की कीमत 19.3, एच ओ की कीमत 13.2, लाइए 15.84 19.3 मल्टीप्लाई बाय 13.2 एंड आंसर इज 10.83, बिल्कुल दुरुस्त है। ये रही हाइट ऑफ इमेज, देखिए ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर का है जबकि इमेज दशरिया 8.3 सेंटीमीटर का, इमेज छोटा हो गया क्योंकि मिरर ने इमेज छोटा कर दिया। मैग्नीफिकेशन डजंट ऑलवेज मीन कि उसका साइज बढ़ा देना, साइज कम भी हो सकता है, क्योंकि मिरर ने उसका साइज 13.2 से 10.83 सेंटीमीटर कर दिया है, साइज कम कर दिया, हाइट कम कर दी। अब देखिए इसका दो बी पार्ट है, उसमें लिखता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फ्रॉम द मिरर। अब ऑब्जेक्ट को पहले से क्या कर दिया गया, पहले डिस्टेंस था 19.3 सेंटीमीटर, उससे ट्वाइस दूर कर दिया, दो गुना अब उससे दूर कर दिया है। तो अब बेटे जानते हैं जब पी की कीमत, नए पी की कीमत पहले से दो गुना हो जाएगी तो क्यू की कीमत पे भी फ़र्क पड़ेगा, पहले हम क्यू भी फाइंड करेंगे, तो पी फिर कितना है, ये आइए हम कहाँ दर्ज करते हैं, इस फोकल लेंथ वाले कुलिए में। सो बी हम करने जा रहे हैं, जिसमें फार्मूला पी डैश क्या आएगा, 1/F = 1/P - 1/Q-। जी बच्चों फोकल लेंथ तो वही पहले वाली पुरानी है, सो हमें क्या मालूम करना है, पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज, भाई ऑब्जेक्ट दो गुना पीछे किया है, पहले से दो गुना कर दिया है, डबल कर दिया है, तो इमेज की डिस्टेंस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों क्या बनेगा ये फार्मूला, क्या बनेगा, 1/F - 1/P - 1/Q-। पी डैश की जगह क्या आ जाएगा, 1/2P, दो गुना पहले वाले से डबल। तो भाई क्या बन गया एलसीएम,
सीधा कर लें, 1 ओवर क्यू डैश किसके बराबर, 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर 2p, क्या एलसीएम 2 एफ पी, एफ कटा 2p, 2p कटा माइनस एफ। लाइए बच्चों कीमतें दर्ज करते हैं, p की जगह 19.3, f की जगह बच्चों 8.7, f की जगह 8.7 जी, और साथ में p की जगह 19.3। इसे हल करते हैं जी भाई, 2 into 19.3, 38.6 - 8.7 जी बच्चों 29.9, 1 ओवर q, नया जो q आया है दैट इज 29.9 नीचे, 2 into 8.7 multiplied by 19.3, आंसर इज 35.82। तो भाई इन्वर्ट कर दीजिए, ये सारी कीमत ऊपर चली जाएगी, क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाय 29.9, 11 q-, ये देखिए इमेज का फासला आ गया 11.23। ये हमें यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, p अब हम क्या यूज़ करेंगे, p जो यूज़ करेंगे वो कितना यूज़ करेंगे, p डैश जो यूज़ करेंगे वो 1938.6 यूज़ करेंगे, और q डैश ये यूज़ करेंगे, क्या मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, एच आई ओवर एच ओ, क्यू ओवर पी, नया एच आई किसके बराबर, क्यू डैश ओवर पी डैश मल्टीप्लाई बाई एच ओ, क्यू डैश कितना है 11.23, पी डैश कितना है 38.6 मल्टीप्लाई बाई एच ओ, वही पुरानी जी बच्चों 11.23 डिवाइडेड बाई 38.6 मल्टीप्लाई बाई 13.2 एंड आंसर इज 3.84, एक्यूरेट आंसर। ये रहा हाइट ऑफ इमेज, कि जब हमने इसकी डिस्टेंस उसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डबल कर दी थी उसी मिरर से, उसी मिरर से जब हमने उसकी डिस्टेंस क्या कर दी, दोगुना कर दी कनकेव मिरर से, तो इसकी हाइट पे क्या फ़र्क पड़ा, और कम हो गई, और कम हो गई। देखिए 13.2 से पहले 10.83 आया था, अब जबकि फासला और बढ़ा दिया तो हाइट 3.84 सेंटीमीटर आ गई है। ये रहे जी आपके 6 न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसमें मज़ीद 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।